हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चटपटी चाउमीन, जिसके लिए हमें चाहिए कटी हुई धनिया, हरी मिर्च, मटर, थोड़े से आलू, पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। उसके बाद हम उसमें नमक डालेंगे और एक चम्मच तेल डालेंगे। पानी खौलने लगा है, अब इसमें हम ये चाउमीन डाल देंगे। एक मिनट बाद इसको हम चेक कर लेंगे कि ये पका कि नहीं। चाउमीन पक चुकी है, अब इसका पानी हम निकाल देंगे। इसको गर्म पानी से निकाल के मैंने ठंडे पानी से धुल लिया है। अब हम सब्जी फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम गाजर ऐड करेंगे। सब्जी मेरी फ्राई हो चुकी है, अब मैं चाउमीन बनाने जा रही हूँ। इसके लिए एक कढ़ाई में मैंने 4 चम्मच तेल डाल दिया है। अब इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद हरी मिर्च, हरी मिर्च के बाद अब प्याज ऐड करेंगे। इस प्याज में हम मटर ऐड कर देंगे। मटर पक गया, इसलिए थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे। मटर पक चुकी है मेरी, अब इसमें चाउमीन ऐड करेंगे। एक ढक्कन विनेगर डालेंगे, 1 चम्मच सोया सॉस। इसके बाद सारी सब्जियां डालेंगे जो हमने फ्राई की थी। अब इसको मिला के इसमें नमक ऐड करेंगे। चाउमीन बनके रेडी हो गई है। अब इसमें हम धनिया डालेंगे। अब एक प्लेट में निकाल के इसको सर्व करेंगे। चाउमीन बनके रेडी हो गई है। ग्रीन चिली सॉस के साथ और रेड चिली सॉस के साथ सर्व करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।